एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बनाऊंगी रेस्टोरेंट जैसा चिली पनीर, तो प्लीज़ स्किप मत करिएगा। और वो भी बिना सोया सॉस के आज मैं बनाऊंगी चिली पनीर रेस्टोरेंट जैसा। तो उसके लिए मैंने लिए हैं 200 ग्राम पनीर, ये प्याज दो मीडियम साइज के इनको कट कर लिया था, एक शिमला मिर्च और ये हरी मिर्च और लहसुन का पेस्ट। और ये मैंने घर पे ही बनाया है रेड चिली सॉस, आप भी चाहो तो घर पे ही बना सकते हो इसको। और ये मक्की का आटा। सबसे पहले हम थाली में पनीर खोलेंगे, उसमें मिक्स करेंगे कॉर्नफ्लोर, और इसमें ऐड करेंगे रेड चिली सॉस ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए और हमारा पनीर फीका फीका नहीं लगे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये मैंने पैन में ऑयल रख लिया है, अब ये जो पनीर है इसको फ्राई कर लेंगे। हम इसमें थोड़ा सा सॉल्ट भी ऐड करेंगे। पनीर फ्राई हो गया है, ये हमारा पनीर फ्राई हो गया है। अब मैं इसको एक प्लेट में निकालूंगी। ये देखिए मैंने कढ़ाई में रख दिया है तेल, हमारा तेल हो गया गरम। मैं इसमें डालूंगी जीरा, ये लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्ची। इसमें ऐड करेंगे कटे हुए प्याज और ये शिमला मिर्च। अब मैं इसमें ऐड करूंगी काली मिर्च पाउडर, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और नमक मैंने पहले ऐड कर लिया था इसलिए थोड़ा सा ही ऐड करेंगे। एक बाउल में ले लिया है पानी, अब इसमें मिक्स करेंगे दो चम्मच कॉर्नफ्लोर और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए शिमला मिर्च और प्याज अच्छे से फ्राई हो गए। अब मैं इसमें ऐड करूंगी रेड चिली सॉस, अब मैं इसमें ऐड करूंगी टोमेटो सॉस, ये जो हमने घोल बनाया था। अब हम इसमें ऐड करेंगे ये जो पनीर फ्राई किया था,
रेडी हो गया है। अब मैं इसको प्लेट में निकालूंगी।